मेरे हर रिहर्सल में, हर टेक में वो मेरे साथ में घूमता रहा घूमता रहा। और एक रोज़ मैं बैठ के रिहर्सल कर रहा था उस गाने का, कहाँ तक हम उठाए गम। और जब बीच में मैंने रुक गया थोड़ा सा, तो कुछ सिसकने की आवाज़ आई पीछे, जैसे कोई सिसकियाँ ले रहे हैं। मैंने यूं करके देखा तो देखा कि रोशन। मैंने क्या हुआ, धप करके वो हम मेरे गोद में सटक के इतना फूट फूट के रोने लगा। मैंने तो भाई हुआ क्या है, तो कहने लगा कि मैं अभी वापस जाता हूँ, मुझसे ऐसा म्यूजिक बनेगा नहीं। और रोता रहा, तो मैंने उसका पीठ थपथपाया, और जब उठा नहीं तब जोर से थप्पड़ जैसे मारा, तब उठा। मैंने कहा तुम इस हिम्मत को लेके आए बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्शन करने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। आज मैं ऐलान करता हूँ कि एक रोज ऐसा आएगा, और बहुत जल्द आएगा, ऐसा आएगा कि तुम मुझसे बेहतर म्यूजिक करोगे, और मुझे फख्र होगा कि रोशन का और मेरा जो संबंध है वो ठीक था। मेरे उनसे बड़े घनिष्ठ रिलेशन रहे हैं। बहुत दफा संगीत की बातें होती थी, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ इस बात से, हो गया था कि रोशन को जो अवेयरनेस एक पूर्ण संगीतकार को होनी चाहिए थी वो थी। उनके गाने जैसे मन रे तू का है ना धीर धरे, किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे चुका किस्मत कुमार दे उजड़े वो
हसन साहब से मेरी पहचान 60s में हुई, और क्योंकि मुझे बहुत शौक म्यूज़िक का रहा तो उस नाते दोस्ती हुई। दिल्ली आते थे तो ज़रूर मेरे पास घंटों बैठते थे घर पर सिनेमा पर, और मैं बंबई जाता था तो ज़रूर उनसे मिलता था। लिंकिंग रोड पे वो रहते थे और घंटों हम उनके साथ बैठते थे, गाने सुनते थे, उनके कंपोजिशन सुनते थे। एक बात, बड़े गॉड फेयरिंग टाइप के इंसान थे वो, और बहुत गुणी, बहुत उनको म्यूज़िक की समझ थी। और मुझे याद है वो कहा करते थे कि इतना कंपटीशन है फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूज़िक की फील्ड में ख़ास तौर से, कि अगर मुझे किसी एक पीढ़ी पर पहुंचाया है तो मैं यही प्रे करता हूं कि उसी पीढ़ी पर रहूं, उससे गिराए ना चाहे मैं, उससे ऊपर ना जाऊं। एक दफ़ा याद है दिल ही तो है हमारे यहाँ पिक्चर रिलीज़ हुई, आए हुए थे दिल्ली, तो 12 बजे की शो थी, इतफाक से दिल्ली थे वो और सिनेमा पर आए उस दिन दिल ही तो है की रिलीज़ थी। तो कह लगे चलो ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं। हाउस फुल था, मैं और वो बैल्कनी में जाके खड़े हो गए। तो जब गाने आए तो दाद के काबिल थे, मैंने अच्छी अच्छी जगह पे गानों के दाद दे दी, कुछ राग पहचान लिए, वो बता दिए उनको, तो बहुत एक्साइट हो गए। कहने लगे बस चलो नीचे चलते हैं। नीचे आए, पानी का ग्लास मंगाया और दो गोलियां खाई, और मुझे कहने लगे कि कोई ख़ास तरह की उनको दिल की बीमारी थी, तो वो कहने लगे कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट मना है। देखो कितनी आयरनी है कि मैं म्यूज़िक फील्ड में हूँ, एक क्रिएटिव फील्ड में हूँ, और एक्साइटमेंट मुझे मना की हुई है, मगर ज़्यादा एक्साइट हो तो इट कैन बी सुसाइडल फॉर मी, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, क्योंकि तुमने ठीक जगह पे दाद दे दी और ज़्यादा मैं एक्साइट हो गया। का संगीत ऐसा था जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो उससे जब भी कुछ टपकता था मधु ही टपकता था, मधु ही टपकता था। मेरे लिए तो कम से कम वो दिलो दिमाग भर जाते थे उसके म्यूजिक सुन के।